हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लाइटरूम की मदद से कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहें शुरू से लेकर अंत तक। फोटो को ओपन करते हैं लाइटरूम में। तो फ्रेंड्स, फोटो को कर लिया है हमने लाइटरूम में ओपन, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको जाना है यहाँ लाइट वाले ऑप्शन पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको हाइलाइट्स को कर देना है माइनस और कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा माइनस। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको शैडो को करना है प्लस, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद वाइट्स को माइनस करना है और ब्लैक्स को भी माइनस कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नीचे आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आपको वाइब्रेंस को जो है थोड़ा सा आपको प्लस कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जाना है मिक्स वाले टूल पर। उसके बाद आपको करना क्या है, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है और इसके सेचुरेशन को आपको कर देना है माइनस, जो कि फेस का कलर है। और इसके लुमलेंस को आपको हल्का सा करना है प्लस, ताकि फेस में जो है चमक आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो है ग्रीन कलर को सिलेक्ट करते हैं और इसके ह्यू को कर देना है प्लस की और प्लस 100, और इसके सेचुरेशन को भी कर देना है प्लस 100, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको ये शर्ट के कलर को सिलेक्ट करना है पिंक कलर का, तो इसके सेचुरेशन को करना है प्लस और ह्यू को भी कर देना है प्लस, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ़ोटो अभी कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है। और उसके बाद फ्रेंड्स, आपको कर देना है यहाँ से डन, ठीक है फ्रेंड्स। डन करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ एक ट्रायंगल वाला टूल दिख रहा होगा फ्रेंड्स, तो इस पर आपको आना है और यहाँ से आपको हल्की सी शार्पनिंग को बढ़ाना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको जाना है यहाँ नॉइज डिटेक्शन मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको प्लस करने से जो है आपका जो है फेस स्मूथ हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए जितना आपको फेस स्मूथ चाहिए उतना आप इसको प्लस कर सकते हैं। तो मैं इसको लगभग 77 रखता हूँ। और उसके बाद नीचे आपको एक कलर नॉइज डिटेक्शन दिख रहा होगा फ्रेंड्स, तो इसको भी आपको कर देना है प्लस। उसके बाद नीचे डिटेल को भी प्लस कर देना है और स्मूथनेस को भी प्लस कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको करना क्या होगा फ्रेंड्स, इस वाले टूल पे आना है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से आपको टेक्सचर को हल्का सा प्लस करना है, क्लियरिटी को माइनस की और, ठीक है फ्रेंड्स। और फोटो को कर लेना है आपको शेयर वाले बटन पर, शेयर वाले बटन पर क्लिक करके सेव। फ़ोटो को अब ओपन करना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पे। फोटो को कर लिया फ्रेंड्स हमने अब पिक्सआर्ट पे ओपन, तो आपको यहाँ से जाना है एफएक्स वाले ऑप्शन पे, ठीक है फ्रेंड्स। आपको यहाँ जो है लास्ट में ये जो दिख रहा है कलर वाला ऑप्शन, ये फ्रेंड्स आपको इस वाले टूल पे आना है और यहाँ से आपको फ्रेंड्स ये दिख रहा होगा कलर रिफ्लेक्स, इस वाले टूल का उपयोग करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स और इस प्लस को जो है अपने शर्ट के कलर पे लाके मैं इस तरह से छोड़ देता हूँ। तो शर्ट का कलर देखिए चेंज हो गया है ऑटोमेटिक, तो इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ शर्ट के कलर को। और ऊपर एक फ्रेंड्स आपको एक मर्ज वाला ऑप्शन दिख रहा होगा फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ से फोटो को कर देना है मर्ज, ठीक है फ्रेंड्स। फिर से आपको कलर रिप्लेस पे क्लिक करना है और बैकग्राउंड के कलर पे जो कि ग्रीन है यहाँ पे आपको लाके छोड़ देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बैकग्राउंड का कलर भी देखिए फ्रेंड्स चेंज हो गया, तो आपको जो सा भी कलर अच्छा लगता है उस कलर पे लाके आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको इस कलर का करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर से यहाँ से आपको कर देना है मर्ज, और कहीं कहीं जो है फ्रेंड्स रह गया है ग्रीन कलर, तो फिर से आपको कलर रिप्लेस पे क्लिक करना है फ्रेंड्स और उस ग्रीन कलर पे लाके आपको इस तरह से रख देना, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर से आपको इसको इस कलर पे लाके छोड़ देना है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से आपको कर देना है डन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका फोटो देखिए फ्रेंड्स रेडी हो चुका है। तो आपको सेव करने के लिए सीधा यहाँ पे एक एरो वाला दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स, आपका फ़ोटो जो है गैलरी में सेव हो जाएगा।
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दे एक लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो एडिटिंग के हम इस चैनल पे लाते रहेंगे।